हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों, यदि आप भी उत्तराखंड में रह के उत्तराखंड में ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपको अभी तक किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई है और आप निराश हताश हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मैं आगे का रास्ता बता रहा हूँ। आगे के लिए आपको कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, चाहे वह UPSC करवाए, चाहे वह UKSSC करवाए। ठीक है, UKSSC की ज़्यादा वेटेज रहेगा क्योंकि UKSSC को ज़्यादा यहाँ पर भर्तियाँ मिलने वाली हैं। जैसे कि आपने इसका रिकॉर्ड देख लिया होगा, 2-3 महीनों में इसका सही परफॉर्मेंस रहा है समूह गौ की परीक्षाओं को कराने में UKPSC की कंपैरिजन में। तो आइए आज हम जानेंगे UKSSC और UKPSC की जो अपकमिंग वैकेंसीज होंगी उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर जानेंगे। दरोगा से लेके पुलिस कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, आबकारी सिपाही और वीडियो और प्रवर्तन सिपाही, इनमें वन बाय हम जानेंगे कि कितने पद आएंगे और कौन इन्हें कॉन्डक्ट कराएगा, साथ ही योग्यता क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम वो भर्ती जान लेंगे जो UKPSC द्वारा अभी हाल ही में वैकेंसी जारी की गई है। जैसे कि एक है लैब असिस्टेंट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट इसके लिए 12 कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। 107 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका जो पेपर होगा वह टू फेस में होने वाला है, तो पूरी जानकारी आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप जो कल की डेट में जो वैकेंसी जारी की गई है 8 अगस्त 2023 में, शहरी विकास विभाग में पालिका केंद्रित सेवा के अंतर्गत सफाई निरीक्षक के यहाँ पर जो है विज्ञप्ति जारी की गई है 2013 के लिए, और इसका जो सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम होगा जो कि काफ़ी बड़ा पद होता है, 8 अगस्त 2023 से आप उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 28 अगस्त 2023 तक ये आप इसे फिलअप कर लें। ठीक है, शुल्क आप 28 अगस्त 2023 तक यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी जानेंगे कि इसके लिए जो है क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर 36 आरक्षण पदों का विवरण। अनारक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पर 31 पद रखे गए हैं। ठीक है, और उत्तराखंड की महिला के लिए 9 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 15 पद हैं और 4 यहाँ पर उत्तराखंड महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद और उत्तराखंड महिला के लिए 3 पद हैं। EWS के लिए 6 पद और EWS महिला के लिए यहाँ पर 1 पद रखा गया है। टोटल मिला के वैकेंसी 65 पदों पर आई है और महिला के लिए 17 पद रखे गए हैं। स्वतंत्र सेनानी के लिए मात्र 1 पद है और दिव्यांग के लिए 2 पद, पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 5 पद रखे गए हैं। ओके, ठीक है। तो जो यहाँ पर 2 वैकेंसी UKPSC द्वारा जारी की गई, सबसे पहले लैब असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका ये वैकेंसी है, ये है आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, जिसमें आपका जो ग्रेड भी रहेगा वह 2800 रहने वाला है। लेवल 5 के अकॉर्डिंग 5200 से आपका वेतनमान रहेगा 20,500 की मध्य, जो कि एक स्थायी जॉब रहेगी। इसके लिए जो अनिवार्य अर्हता है, भारत में भी द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपकी BSc उपाधि होनी चाहिए या फिर केंद्र या फिर किसी राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से हाइजीन सैनिटरी या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में कम से कम 1 ईयर का क्या होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, और साथ ही उसके बाद इसके लिए 21 से लेकर 42 वर्ष के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वहाँ पर ये डाल दूंगा इस PDF फॉर्मेट को। फिलहाल अन्य भर्ती के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, अन्य भर्ती कौन कौन सी हो सकती है, देखिए यहाँ पे UKPSC की बात करेंगे पहले हम। UKPSC की 2 भर्ती तो आ चुकी हैं आपकी, लैब असिस्टेंट और ये सिपाही इंस्पेक्टर का। साथ ही आप एक RO AR की भर्ती आपको दिखेंगी, RO AR की भर्ती दिखेंगी। ठीक है, उसके बाद है 350 पदों पर दरोगा की भर्ती जो कराएगा वो आपका UKPSC कराने वाला है। तो 2 भर्ती आपको दिखने वाली हैं UKPSC की ओर से। ठीक है, साथ ही हम जानेंगे अब UKPSC जो है कौन कौन सी भर्ती यहाँ पे कराने वाला है, UKSSC जो है अब पटरी पर उतर चुका है, अपना परफॉर्मेंस सही दे रहा है।
तो ऐसी स्थिति में अब जो भर्ती यहाँ पर निकलनी वाली है शासन की तरफ से जो इनको भर्ती दी जाएंगी, सबसे पहले आपको पता है पुलिस कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल के 1550 पदों पर यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर माह तक देखने को मिल सकता है। अभी भर्तियाँ चल रही हैं, तो भर्तियों जो भी भर्तियाँ चल रही हैं इनका अंतिम अंजाम या अंतिम रूप देने के बाद, इनको नियुक्ति पद देने के बाद, तो आपको सबसे पहली भर्ती जो मिलेगी 1550 प्लस भर्ती मिलेंगी जो कि पुलिस कांस्टेबल की रहेगी। अगली जो इनकी भर्ती रहने वाली है दोस्तों वो रहेगी आबकारी सिपाही। आबकारी सिपाही के लिए जो हमारा यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहता है वो 28 तक रहता है। इसके लिए जो है आपको 100 पद दिखने वाले हैं और 12वीं पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। अगला जो हमारा पद रहेगा जो कि वैकेंसी जारी होगी वो है प्रवर्तन सिपाही की, प्रवर्तन सिपाही जिसकी 14 पद आपको दिखने वाले हैं और इसके लिए 10th कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद आबकारी आयुक्त है, एक आबकारी आयुक्त की बात करूं तो इसके लिए जो योग्यता है वह स्नातक है और 5वीं पास, 5 यहाँ पे आपका क्या रहेगा पद रहेंगे और ये जॉब जो है स्नातक स्तर के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला है हमारा सबसे फेमस BPDO और VDO का नई भर्ती का नोटिफिकेशन, जिसमें BPDO के 130 पद रहने वाले हैं, साथ ही VDO के 7 पद रहने वाले हैं। और ये जो पदों का जो आवंटन है या फिर इनकी जो इंक्रीजिंग, ये बढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे ये बढ़ जाएंगे जैसे पिछली बार बढ़े थे, ये बढ़ने की इनकी संभावना पूरी रूप से है। इसके लिए जो योग्यता रहेगी वो स्नातक रहेगी, ठीक है, स्नातक रहने वाली है। साथ ही यदि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट में CCC मांगते हैं, CCC यदि आपका नहीं है तो अभी से बना लें, जिसका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम निकालने के बाद 3 मंथ का आपको यहाँ पे 3 मंथ की आपकी तैयारी चलती है, उसके बाद आपका यहाँ पे CCC सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आप ज़रूर बनवाएं। इसके कई डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे आपको CCC की आवश्यकता होती है। अगला आता है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, कल्याण अधिकारी के जो यहाँ पद भरे जाएंगे दोस्तों वो रहेंगे आपके 5, ठीक है। टोटल मिला के इस प्रकार से यहाँ पे ये भर्तियों का आवंटन है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट भर्ती है कनिष्ठ सहायक, जिसमें मंतुल्य जी ने अभी हाल ही में बता रखा है कि 513 पदों पर जल्दी इसकी भर्ती होंगी। तो देखिए ये है भर्ती कैलेंडर 2023 में अक्टूबर माह में ये आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, ठीक है, 2023 में अक्टूबर माह में। साथ ही मैं बताऊं कि बंदी रक्षक का एग्ज़ाम भी अब जल्द होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, तो इसी स्थिति में दिसंबर भी 4 महीने बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लिखित एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी है जिनका यहाँ पर रिटर्न हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि आप कोई भी एग्ज़ाम यदि देना चाहें, आप समूह गौ के एग्ज़ाम हो, वो आप पहले के स्टैंडर्ड लेवल के एग्ज़ाम नहीं है, अब आपको डीप में पढ़ना होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, और वो तभी हो पाएगा जब आप अभी से तैयारी करोगे, डीप स्टडी अभी से करोगे। तो आप ज़रूर यहाँ पर फोकस करिएगा इन एग्ज़ामों में, क्योंकि आपने पहले से ही तैयारी करी है तो आप यहाँ पहुँच चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ बैक लोगे तो ये सही नहीं है। यदि आप यहाँ से यहाँ तक आपकी सफलता का ये मुख्य पॉइंट है, पिक पॉइंट है, तो यदि आप यहाँ से जाते हैं तो आपको इतनी दूरी तो तय करनी पड़ेगी, यदि आप यहाँ से दोबारा आते हैं तो आपको यहाँ पर डबल दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।